हाय फ्रेंड्स, मुँ जितेंद्र। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी। फ्रेंड्स, आज मु बहुत इंपोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड्र कि इंपोर्टेंट एंड वेरिफिकेशन क्वेश्चन नहीं आसी से क्वेश्चन गुड़ा फ्रेंड्स आलोचना करा पूर्व मुझे रखुच्छी आमर यूट्यूब चैनल तरफ आपाई अर्थात सिटी एंट्रेंस ईबुक प्रोवाइड कराऊ जोठार कि 4000 रु पाखापाखि ऊर्ध क्वेश्चन रोच जो क्वेश्चन गुड़ा आपको बहुत हेल्पफुल कर सिटी एंट्रेंस आमर फुल कोर्स कवर सहित क्वेश्चन गुड़ा रही सब टॉपिक रे। तो आपण मैंने चाहूँ बाय करने किणापी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे लिंक द्वारा आप किपारे जदि भी किसी प्रॉब्लम होना आम व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके से मध्य डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करेंगे और आपंकर प्रॉब्लम पचारिपारे आम सामने डिस्कशन करें और बाय करेंगे। तो फ्रेंड्स यह इनफॉरमेशन तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। फ्रेंड्स फास्ट कथा कौन आज जो क्वेश्चन अच्छे टीचिंग एप्टीट्यूड रे तो टीचिंग एप्टीट्यूड रे मुझे जो क्वेश्चन आपको गत क्लास आपल कमेंट्स भी देते पसंद करते तो आज भिडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड रही ऑलरेडी आप जानते 15 20 क्वेश्चन आलोचना करें आज भी सेमती 20-25 क्वेश्चन रही देखा। तो आम रोच 10 मार्क पड़ी टीचिंग एप्टीट्यूड रे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन टी अच्छे चलो स्टार्ट करवा कौन अच्छी क्वेश्चन टी क्वेश्चन नंबर 1 कौन सत्य एवं अहिंसा क्यों मूल्यबोध सहित संपर्कित। सत्य और अहिंसा क्यों मूल्यबोध सह संपर्कित नैतिक मूल्यबोध ना आध्यात्मिक मूल्यबोध ना धार्मिक मूल्यबोध ना व्यक्तिगत। फ्रेंड्स से कौन कौन सत्य अहिंसा यह क्या विश्वास क्या ना गांधी यहाँ विश्वास करते महात्मा गांधी से हूँ स्पिरिचुअल मैन थे आध्यात्मिक चेतन व्यक्ति थे तेणु हूँ सत्य कथा कह अहिंसा मानने अहिंसा अपणाइवा हिंसा करवा ना यह हूँ टोटाली आमर हूँ धार्मिक कि व्यक्तिगत कि नैतिक हबार प्रश्न ना कहीं इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू गांधीज आइडियाज। तो यही कनसेप्ट हूँ महात्मा गांधी मत ऑलरेडी हूँ कौन आध्यात्मिक चेतना बा आध्यात्मिक मानविकता आध्यात्मिक मूल्यबोध उपरे पर्यवेक्षित तेणु सत्य कथा कह अहिंसा यह हूँ आध्यात्मिक मूल्यबोध सहित संपुक्त तेणु जो क्वेश्चन टी थी क्या मैंने ये सत्य अहिंसा क्यों मूल्यबोध क्वेश्चन यदि पढ़ला तेने आध्यात्मिक मूल्यबोध सहित संपुक्त है। तो एक नंबर क्वेश्चन टी गला दे दुई नंबर क्वेश्चन जी कौच दुई नंबर क्वेश्चन टी कौच भारतर संविधान क्यों मसीह प्रणयन होता आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मसीह प्रणयन होता है इम्प्लीमेंट होता सेटा क्वेश्चन पचारे 1946 हम ना 1949 हम 1950 हम ना 1952 हम। फ्रेंड्स कौटा आंसर हम कहतु फ्रेंड्स देखते आंसर ये 1950 मसीह हम गोटे इंपोर्टेंट क्या कौन समस्त मन रखु तीन टा डेट कौन सब एंट्रेंस इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट। फास्ट एक नंबर कथा कौन गोटे डेट अच्छी 1946 डिसेंबर 9 दिन नंबर हूँ 1949 नवेम्बर 26 तीन नंबर 1950 जनवरी 26 ये तीन टा डेट कथा कौन फास्ट 1946 डिसेंबर 9 आम संविधान रे फास्ट मीटिंग होता गोटे संविधान सभा क्रिएट हो तैयारी हो फास्ट मीटिंग होता मन रखिए फास्ट मीटिंग हूँ ये डेट होता 1946 डिसेंबर 9 1949 नवेम्बर 26 रे कौन होता आम संविधान रे आम संविधान को एडप्टेड कराई एडप्टेड कम्प्लीटेड है कराई 1949 नवेम्बर 26 जी पड़ो एडप्टेड ग्रहण केवे कराई कम्प्लीट भी केवे रेडी केवे 1949 नवेम्बर 26 जदि क्वेश्चन पड़े आम संविधान सभा के प्रणयन होता कार्यकारी कर 1950 जनवरी 26 आप मन रखिए। तो यहाँ हूँ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन संविधान विषय में तीनो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जे के प्रणयन होता है के कार्यकारी होता यह सब क्वेश्चन देन हूँ ये जो क्वेश्चन टी आप बुझीपारे संविधान सभा के प्रणयन होता 1950 जनवरी 26 दे 1950 दे तो 1950 ही आंसर हम देन तीन नंबर क्वेश्चन देखा तीन नंबर क्वेश्चन हूँ कौच जे कलापटा अभियान केबे कार्यकारी होता कलापटा अभियान कौन ओपी मान जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड यहाँ केबे कार्यकारी होता 1980 होता ना 1988 होता 1990 ना 2000 मसीह होता। फ्रेंड्स कलापटा अभियान 1988 मसीह कार्यकारी होता यह आप मन रखिए डीपीपी के 1996 है 1996 ओके एवं कलापटा अभियान हूँ 1988 ये ध्यान देवे देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कहते
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौच एमिली पुस्तक है एमिली पुस्तक रचयिता किए इमिली बा एमिली पुस्तक रचयिता किए देखु रुसो ना अरबिंद ना गोपबंधु ना आडम स्मिथ फ्रेंड्स एमिली पुस्तक रचयिता होती जीन जैकिस रुसो कहीं कौ देखु सी हूँ आमर फास्ट हूँ भेगाबन चाइल्ड थे प्रकृति कूल में बोलूँ नेगेटिव एजुकेशन फाउंडर मध्य सी नास्तिवाचक शिक्षा बा नेगेटिव एजुकेशन से हूँ फाउंडर जनक सी गोटे बही लिखी एमिली पुस्तक 1762 मसीह लिखी 1762 मसीह एमिली पुस्तक एटार पांचटी पार्ट थी कतटा पार्ट थी पांचटी पार्ट थी ये पांचटी जो पार्ट थी यार पंचम पार्टर नाम हो नाम गोटे काल्पनिक शिशु ताना सफी ना हूँ नामित कराइला मन रखे यहाँ टी इम्पोर्टेंट तथ्य तो एमिली पुस्तक किए रचयिता करते जीन जैकिस रुसो के 1762 केतटा पार्ट थी पांचटी पांच नंबर पार्टर नाम कौन ना हूँ गोटे काल्पनिक शिशु सफी रखाई था तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चार नंबर गला पांच नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ओके पांच नंबर क्वेश्चन कहूँ जे सामाजिक मूल्यबोध गुड़िक क्या द्वारा स्थिर कराए सामाजिक मूल्यबोध गुड़िक क्या द्वारा स्थिर ऑप्शन ए समाज ऑप्शन बी परिवार ऑप्शन सी व्यक्ति ऑप्शन डी नीति नियम ऑलरेडी आप जानते हैं सामाजिक मूल्यबोध सोशल वैल्यू सोशल जो कन्सेप्ट अच्छी मूल्यबोध वैल्यू एजुकेशन यह हूँ समाज द्वारा है फास्ट जी कह कथा गोटे कन्सेप्ट कह जो मूल्यबोध आमर जदि आम फास्ट जने शिशुटी कौट जन्म नौ परिवार रे तापर कौन तापर तार हूँ विभिन्न फास्ट जो व्यक्ति मानक संस्पर आसूची व्यक्तिर सम्मिश्रण से परिवार होला समाज होला राज्य राष्ट्र है कि आगे बढ़ला कि सोशल वैल्यू सोशल जो मूल्यबोध सामाजिक मूल्यबोध यह हूँ बेस्ट आंसर कौन हम नीति नियम नुहे कि व्यक्ति नुहे कि परिवार नुहे कि समाज समाज नुहे को समाज ही हम है समाज तो सामाजिक मूल्यबोध जो कौटी क्रिएट हुए समाज ऑप्शन नंबर कौच करेक्ट देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सत्यवादी वन विद्यालय विषय क्वेश्चन टी ओके सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए सत्यवादी वन विद्यालय क्वेश्चन प्रतिष्ठाता किए गोपबंधु ना गांधी ना रवींद्रनाथ ठाकुर ना हूँ अरविंद ऑलरेडी मुझे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए ना हूँ गोपबंधु ए विषय आए कही गोपबंधु हूँ 1909 मसीह पुरी ठारू 12 किलोमीटर दूरतार साखी कपाल ठारे कौन करते ना हूँ एक वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते जहाँ को सत्यवादी वन विद्यालय कह से विद्यालय टी कौन होता 1921 मसीह जातीय मान्यता पाइला यह प्रथम 19 जन को नहीं आरंभ होता और जितेबाला जातीय मान्यता पाइला अर्थात 1921 मसीह बेलूठे 600 पिला कत पिला 600 पिला पूरी जाइले पिला संख्या थिले एवं विभिन्न कारणतापाई कारणपाई एगुड़ पर विफलत है एठार जो मैंने शिक्षकता करुले पंचसखा कहला पंचसखा कहला पंचसखा कहले कौन बुझे पाँच जन शिक्षक पाँच जन सखा ओके किए किए अलरेडी मुझे से गुड़ा भी किए किए पंचसखा एक कौन गोपबंधु दास दुई हो नीलकंठ दास तीन रे होची गदावर्ष मिश्र देन होची आचार्य हरिहर दास देन होची एक रे कौन है गोपबंधु दास दास रे तीन टाइम मनखे गोपबंधु दास नीलकंठ दास है आचार्य हरिहर दास आउ पंडित कृपासिंधु मिश्र आ गदावर्ष होची मिश्र है पाँच जन थे ये पाँच जन हूँ कौन ना हूँ शिक्षक शिक्षकता करते कहला पंचसखा ओके तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी सात नंबर क्वेश्चन कहूँ क्यों शिक्षाविद खेल मध्यम शिक्षापी देवाई युक्ति बाढ़ी थे खेल मध्यम शिक्षा मैंने प्ले वे मेथड है प्ले वे मेथड प्ले वे मेथड मन रखु फ्रेंड्स सब फ्रबेल है फ्रबेल हूँ प्ले वे मेथड खेल मध्यम शिक्षा एवं केजी जो अच्छे आम यूज करते केजी बा किंडर गार्टेन जो पिलाना पढ़ती केजी मत से जनक तेणु से केजी एवं फ्रबेल हूँ कौन खेल मध्यम शिक्षा उपर गुरुत्व देते नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छे आठ नंबर क्वेश्चन टी आठ नंबर क्वेश्चन कौन शिक्षाविद क्यों शिक्षाविद धंदा कैंद्रिक है धंदा कैंद्रिक शिक्षा उपर गुरुत्व देते आस्था स्थापन करते धंदा कैंद्रिक मैंने कौन पिला किसी कर
ହେଲା, ଡୁଇଂ କିଛି କରିବ, କାମ କିଛି କରିବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇବ ଏବଂ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ସେ କିଛି ଶିଖିବ, ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ତା'ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ନା ଅରବିନ୍ଦ ନା ରୁଷୋ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ହେଉଛି କୌଣସି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ବା ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ହେଉଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି କରିକି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ବି ନ ପାଇଲେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିବାନି, ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ବା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି UDHR ମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ଅଛି। UDHR କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, UDHR ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଓକେ, 10ଟି ଧାରା ଅଛି ନା 30ଟି ନା 25ଟି ନା 35ଟି, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। UDHR ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଆମର 30ଟି ଧାରା ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି 30। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିବସ। ଓକେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିବସ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟେରେସି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ, ଡିସେମ୍ବର 23, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, ନଭେମ୍ବର 18। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିବସ ଆମର ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇପାରେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ବା ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ମନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ରହିଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ମୁଁ ବୁଝିଦେଉଛି, ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଦେବେ। ଅପସନ୍ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁବନ୍ଧନ, କ୍ରିୟାପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁବନ୍ଧନ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା ଅନୁବନ୍ଧ କ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପାଭଲୋଭ, କ୍ରିୟାପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁବନ୍ଧନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସ୍କିନର ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ବିଲେଇ ଉପରେ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା କଲର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଛି, ଏଇ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଦୀପକ ମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେସ୍ପନ୍ସ, ମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଟା ହେଉଛୁ ଏନ୍ସର୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କହିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କହିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଟା ଦେବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ଖଟା ଦେଲି, ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଦେଲି କି ଆମ୍ବ ଦେଲି କ'ଣ ଦେଲି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଲି, ଆପଣ ଖଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖଟା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା, କ'ଣ ଗଡ଼ିଲା, ଲାଳ ନିଃସୃତ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ହଠାତ୍ କି ହାତ ବୁଲେଇଦେବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ମାନେ ଯେଉଁ ହାତଟା ଯେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଖକୁ, ଆଖି ଆଗକୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିଯିବ, ମାନେ ଆଖିପତା ଆଖିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାରିବେ, ଆଖିପତା ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହଠାତ୍ ଗଲା, ରେସ୍ପନ୍ସ ହଠାତ୍ ହେଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସର ସମ୍ପର୍କତା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ତ ସେ ଭିତରୁ କେଉଁ ଥିଓରିଟାରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା କ୍ରିୟାପ୍ରସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହେବନି, ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ବାଦ କରିଦେଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଖ ଗ ତିନିଟା ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି, ଇଜିଏସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଗୋଟେ ହିଁ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଇଜିଏସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି,
तेर नंबर क्वेश्चन टी कौच निम्नोक्त क्यों क्यों विषय टी मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य नुहे क्यों क्यों डबल है निम्नोक्त क्यों विषय टी मौलिक शिक्षार बेसिक एजुकेशन कौन नुए ना वैशिष्ट्य नुहे एक कौन यह एक कुटीर शिल्प भित्तिक शिक्षा दुई रे यह आत्मनिर्भरशील कराए यह मातृभाषा शिक्षा उपर गुरुत्व दिए ना यह मनुष्य मौलिक आवश्यक पूरण कै ये ऑप्शन नंबर क ख एवं ग घ निहाती भाव में हम है क ख घ हम कहीं कुटीर शिल्प निहाती भाव जरूरी आमको डिपेंडेंट कराए आत्मनिर्भरशील कराए एवं मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र बासगृह शिक्षा एवं स्वास्थ्य को से कौन कर ना फुलफिल करे सी कौन से कौटा नुहे है यह मातृभाषा उपर गुरुत्व दिए ना कही फ्रेंड्स यह मातृभाषा मदर टंग पूरा 100% दिए तो नुहे कही टोटल भूल हो गला ऑप्शन नंबर ग हूँ करेक्ट आंसर तेन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 14 नंबर क्वेश्चन कौन मुक्ताकाश विद्यालय विषय में किए प्रथम परीक्षा करते मुक्ताकाश विद्यालय विषय में किए प्रथम परीक्षा करते मुक्ताकाश मान कौन फ्री आकाश में जो शिक्षा मान ग तले गोपबंधु हम जाकिर हुसैन हम आडास्मित हम अरविंद हम किए हम ना हूँ गोपबंधु हम है गोपबंधु हूँ कौन मुक्ताकाश विद्यालय पर गुरुत्व देते मुक्ताकाश शिक्षा उपर से गुरुत्व देते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन टी कौन निम्नलिखित क्यों कर्तृपक्ष शिक्षा रो सार्वजनिक कार्य कर माने हूँ UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ये माने शिक्षार सार्वजनिकरण कौ संस्थाटी ओडिशा कार्यकारी कर SCERT DPEP OPEPA ना EGS कौट आंसर हम कहतु फ्रेंड्स ये हूँ अलरेडी ओ ओडिशा माने OPEPA अलरेडी DPEP नुहे कि हूँ SCERT नुहे EGS नुहे कि आउ कौन से नुहे OPEPA आंसर हम OPEPA फुल फॉर्म कौन ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन है प्रोग्राम अथॉरिटी है ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तो OPEPA आंसर हम है SCERT तो स्टेट रे काम करुची विभिन्न तार रोल अच्छी फंक्शन अच्छी है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग DPP है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम देन EGS हूँ एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम ओके तो फुल फॉर्म जान ले तो 15 नंबर क्वेश्चन गला देन आस 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कौच 16 नंबर क्वेश्चन कौन बास्तव बढ़िया क्वेश्चन टी बास्तव सौंदर्य को अनुभव करने प्रशंसा करवा क्यों मूल्यबोध बास्तव सौंदर्य को अनुभव करवा प्रशंसा करवा क्यों मूल्यबोध आध्यात्मिक मूल्यबोध नैतिक ना अंतिम ना सौंदर्य भित्तिक अलरेडी साधा क्वेश्चन टी से कहते सौंदर्य रियलिटी को आम एंजय करवा फिल करवा तार प्रशंसा करवा कौटा ना होता अलरेडी सौंदर्य भित्तिक अनुसार हम सौंदर्य भित्तिक मूल्यबोध है आध्यात्मिक मुझे नैतिक कही अंतिम अलरेडी आग्रह तो ये कह आवश्यक ही ना देन 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन टी कौन मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष क्यों दिन पालन कराए मानव अधिकार दिवस है ह्यूमन राइट्स डे ह्यूमन राइट्स डे के पालन कराए December 10 हम ना March 5 May 1 ना August 5 फ्रेंड्स यहाँ समस्ते कहीपर कि ह्यूमन राइट्स डे जो December 10 को पालन कराए December 10 देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए क्वेश्चन आंसर कौन हम कहतु कही CAI है पूरा नाम कौन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हम ना कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन हम ना कंट्रोलिंग एड इंस्ट्रक्शन हम ना कंपिटेंसी एड इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हूँ कंट्रोलिंग हम कि कंपिटेंसी हम यहाँ कंप्यूटर उपर क्वेश्चन अच्छी तो कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन हम ना कंप्यूटर हूँ असिस्टेड इनफर्मेशन हम तो अलरेडी आपड़ जानते हैं फुल फॉर्म कौन अच्छी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बा कोटा हूँ करेक्ट देन 19 नंबर क्वेश्चन टी अच्छी आपण देखते कौन क्वेश्चन टी अच्छी 19 नंबर क्वेश्चन कौन अभिप्रेरणा केत प्रकार मुझे कही अभिप्रेरणा हूँ 2 प्रकार गोटे हूँ इंट्रेजिंग गोटे एक्सट्रेजिंग गोटे अंत अभिप्रेरणा गोटे हूँ बाह्य अभिप्रेरणा तो ये जो 2 प्रकार अभिप्रेरणा रही विषय में एग्जांपल देती सबकि तो ऑप्शन थी 3 2 4 5 कौन हम ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा हूँ 2 प्रकार
अंत अभिप्रेरणा होची बाह्य अभिप्रेरणा। देन देखिबा लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन टी शिक्षा शब्द टी केउ शब्द राशि होची। से कहउछन्ते शिक्षा एजुकेशन शब्द टी, एजुकेशन शब्द टी कौ शब्द राशि होची, ग्रीक शब्द ना लाटिन शब्द ना फरासी ना होची जर्मन। फ्रेंड्स शिक्षा शब्द टी कोठे आसी होची आपण कोहंतु, एरा होचु लाटिन शब्द रहब। काई लाटिन शब्द रहब मु कहउची जे ए जो एजुकेशन शब्द रहला ईडीएन लगे होची, एजुकेशन शब्द टी हमर लाटिन भाषा रु गृहित होई छे। कोन भाषा रु सेटा गोटे होची किए कहउछन्ती ई बा ड्यूको, एजु केयर आउ एजु सीयर आउ एजुकेटम, ए वर्ड का मन रखिए। कौन मन रखिए आधे रखी लिखी दूचे भल कि जस्ट वेट, गोटे हूँ ई, गोटे हूँ ड्यूको, गोटे हूँ एजु केयर, आउ गोटे एजु सीईआर सीआर, आउ गोटे एजु केटम है। ई मान हूँ आउट ऑफ डोको मान टू लीड मान हूँ अंतर्निहित शक्ति जाग्रत करने आम भितर जो इनट क्वालिटी अच्छे ना डेवलप करवा। एजु सीआर मान टू ब्रिंग आउट और टू नोरीश ता मैंने भी सैया आम भितर जहाँ इनबोर्न क्वालिटी अच्छी इनट क्वालिटी अच्छी एजुकेशन आमको सी कौन कर आउट कर ड्रइंग आउट कर बाहर को बाहर कर। एजु केटम सरी एजु सीआर, एजु सीआर मान हूँ टू लीड आउट और एजु केटम मान एजु केटम मान हूँ एक्ट अफ टीचिंग कौ प्रकार आम टीचिंग देवा पिला जहाँफल अंतर्निहित शक्ति जाग्रत हो आशा कर बुझीपारे है। तो यही जो क्वेश्चन टी रही यहाँ हूँ आम शिक्षा उपरे तार हूँ डेरिवेटिव मीनिंग उपरे। तो लाटिन वर्ड एजु मन रखिए एजु केयर एजु सीयर आउ एजुकेटम ये तीन टा वर्ड को आप मन रखिए। थैंक्स समस्त को। तो गोटे इम्पोर्टेंट इनफर्मेसन समस्त को जे इ बुक कथा मुझे कहली जो मैंने बैक करने बैक करे है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है आपण है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी लिंक द्वारा आप बैक करेंगे और ये जो रही देखिपे आप सोशल मीडिया लिंक्स जमीक टेलीग्राम अच्छी है ह्वाट्सअप अच्छी फेसबुक अच्छी यू ट्विटर अच्छी ये सब जिस आपने कौन करेंगे कनसनट्रेट देते जदि किसी एक्सट्रा इनफर्मेसन आम सागर जोड़ापी चाहते क्लोज रही चाहते तेल एड हो पारे। तो आम लिंक अच्छी टेलीग्राम लिंक ह्वाट्सअप लिंक सब ग्रुप लिंक देन सब लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे जहाँफल आप एड हो पारे। तो फ्रेंड्स आशा करा वीडियो टी भल लगी जदि आज सेसन टी पसंद होगा क्लास टी भल लगी तेणु ये क्लास टी वीडियो समस्त सेयार करेंगे लाइक करेंगे कमेंट निहत देते कमी लगेगा। तो फ्रेंड्स रोची थैंक यू पुणी देखा गोटे नेक्स्ट फ्रेश वीडियो रे। जय जगन्नाथ।